हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद कुमार जीके जीएस पे। मैं अंगद कुमार। दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी की जैसे भर्ती पूरी तरह से फिजिकल उसका कंप्लीट हो गया है। आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला दोस्तों आपका रिटेन होता है, दूसरा दोस्तों आपका फिजिकल होता है, तीसरा आपका मेडिकल होता है, उसके बाद दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों एक अभी ऑफिशियल नोटिस आई है भारत सरकार द्वारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो होता है पीआईबी, देखिए आप ट्विटर का ये ऑफिशियल अकाउंट है, वहां दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है, आपको ज्वाइनिंग डेट के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग डेट, फाइनल सिलेक्शन कब तक हो जाएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और मेडिकल आपका किस महीने से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपके ट्विटर से पीआईबी जो होती है दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की होती है। उसने देखिए दोस्तों क्या नोटिफिकेशन निकाली है, आप इसको एक बार पढ़िएगा, वो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ये दोस्तों नोटिस है जो पीआईबी के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है इंडिया की, ये ऑफिशियल नोटिस है, आपको ट्विटर पे जाकर चेक कर सकते हैं, अकाउंट को सर्च करके वहां भी मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएससी के थ्रू। जो तो एसएससी के थ्रू जितने वैकेंसियां होती हैं, देखिए एसएससी टू सून कंप्लीट प्रोसेस फॉर इश्यूएंस ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर फॉर 15,247 पोस्ट लेटर टू इशू बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ द मंथ। दोस्तों मतलब नेक्स्ट दो मंथ में आने वाले में, जैसे कि जुलाई अगस्त में, लगभग 15,000 जो दोस्तों 15,200 हैं उन भर्तियों का फाइनल रिजल्ट आके अपॉइंटमेंट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों वो कौन कौन सी भर्तियां हैं वो आप एक बार समझ लीजिए। जैसे कि देखिए सीपीओ के दोस्तों एग्जाम हुआ, उसका फाइनल देखिए मेडिकल हो गया है, डीबी होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने वाला है, 2 महीने में आ जाएगा उसका। साथ में दोस्तों और सीजीएल का है, सीजीएल का दोस्तों, सीएचएसएल का भी जैसे 2018 का है, वो 3-4 एग्जाम की भर्तियां, लगभग 15,000 सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में आप पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एसएससी जीडी के लिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट है। देखिए फर्दर मोर 42,000 अपॉइंटमेंट टू द कंप्लीटेड बिफोर दिसंबर 2022। देखिए दोस्तों एसएससी, जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है, लगभग देखिए 25,000 वैकेंसी एसएससी जीडी की है। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो एसएससी जीडी की भर्ती होती है वो हमेशा एसएससी जीडी में होती है। तो आप देख सकते हैं कि 25,000 जो है एसएससी जीडी की है और लगभग 15,000 और अदर वैकेंसी है, ये टोटल मिलाकर दोस्तों 40,000 है। तो इस पॉइंट से आपको पता चलता है कि ये जो दिसंबर में फाइनल बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, एक क्लू मिला है, एसएससी जीडी हैड अ ड्रा अप प्लान फर्दर द फील्ड। देखिए 67,768 वैकेंसी द फर्दर कमिंग एग्जाम, मतलब इसमें देखेंगे तो लगभग 60,000 तो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, वो एसएससी जीडी 2023 में आ रही है, वो कैलेंडर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस नोटिस के आधार पर दोस्तों आपको ये पता चल रहा है कि एसएससी जीडी का जो आपका फाइनल है वो आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट आपको दिसंबर तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए दिसंबर तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो आपका नवंबर में फाइनल रिजल्ट एसएससी जीडी का आ जाएगा, 100% दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा। तो अब ये देखिए दोस्तों प्रोसेस क्या बचा है, तो आपका मेडिकल है। तो दोस्तों आपका देखिए मेडिकल मेरे हिसाब से अगस्त में, आपका अगस्त फर्स्ट वीक से आपका मेडिकल दोस्तों स्टार्ट हो जा रहा है, ये अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने तक दोस्तों आपका सितंबर तक चलेगा, क्योंकि री मेडिकल आपको पता है आप नेक्स्ट डे ही मिलता है, 24 घंटे में ही आपको री मेडिकल मिल जाता है। और देखिए और 2 महीने में दोस्तों अक्टूबर नवंबर 2 महीने में आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा और दिसंबर से दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा। फिर आगे दोस्तों हम वीडियो आपको दिखाते हैं अभी नोटिफिकेशन में कि आपका ज्वाइनिंग लेटर और भी प्रूफ हम दिखाते हैं, देखिएगा। उससे पहले देखिए दोस्तों आपकी ये एसएससी 2021 का देखिए कैलेंडर जारी किए, 2021-22 का कैलेंडर आप ऑफिस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, 2021-22 का एसएससी कैलेंडर है। आप यहां देखेंगे तो 15वें नंबर में एसएससी जीडी
सेंट्रल आर्म पुलिस असम राइफल्स, देखिए दोस्तों ये 22 फरवरी 2023 को वैकेंसी अपकमिंग है, मतलब 2023 में वैकेंसी हमारी आ रही है नई वैकेंसी। इसका मतलब है दोस्तों कि जब पुरानी वैकेंसी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तभी नई वैकेंसी निकाली जाती है। बहुत से बच्चे दोस्तों कहते हैं कि सीजीएल सीएसएल ये सब नहीं होती, तो दोस्तों देखिए ये सब डिपार्टमेंटल अलग अलग होती है, लेकिन जो ये भर्तियां होती है आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो होती है सीएपीएफ की होती है, इनमें देखिए दोस्तों ट्रेनिंग मेन होता है कि अगर एक बैच ट्रेनिंग पे जाएगा तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे बैच को फाइनल किया जाता है। तो इसको जब हम लोग का 2021 का बैच फाइनल जाएगा ट्रेनिंग पे, उसके बाद ही इसकी वैकेंसी आती है। तो दिसंबर तक दोस्तों आप लोग की ज्वाइनिंग है, और मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं दोस्तों, आप आगे देखिएगा। ये देखिए दोस्तों ये एक डिपार्टमेंटल नोटिस आई थी कि सीआईएसएफ जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं ऑल इंडिया में लगभग 5 जगह हैं दोस्तों, वो 5 जगह से कैलेंडर जारी हुए थे 2022 में। ये नवंबर में दिसंबर में आई थी नोटिस कि किस सेंटर पे कौन सा बैच कब किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये एसएससी जीडी पहला नंबर, पहले आप देखेंगे ये एसएससी जीडी 2018 का बेसिक ट्रेनिंग है दोस्तों, ये बैच नंबर 81 है, और ये कहाँ का है दोस्तों आरटीसी, आप देख सकते हैं आरटीसी जो है भिलाई का, आरटीसी भिलाई का आपको हम दिखा रहे हैं सबसे पहले। तो बैच नंबर 21 2018 का है, ये देखिये 47 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ये स्टार्ट हुई थी आपकी देखिये 19 जुलाई से आपकी स्टार्ट हुई थी 19/7/2021 से, और ये देखिए 11 जून को खत्म हो गई है। तो 1200 वैकेंसी थी, ये दोस्तों खत्म हो गई है। अब आपकी दोस्तों जो हम लोग की है देखिए ये है तीसरे नंबर, आप देखिए एसएससी जीडी 2021 बेसिक ट्रेनिंग, ये 82 नंबर की दोस्तों, देखिए बैच नंबर 82 है, ये भी 47 वीक की ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग है। देखिए इसकी रिपोर्टिंग जो टाइम हो क्वारंटीन है आपका 19 दिसंबर 2022, इसका मतलब दोस्तों आपका नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो 26/12/2022 स्टार्ट होगी और 18/11/2021 तक चलेगी। ये दोस्तों देखिए 1400 बच्चों को इस भिलाई सेंटर बुलाया जाएगा, ये 100% दोस्तों 101% आप इसको नोटिस को सही मान लीजिए, ये 100% सही नोटिस है, क्योंकि मैं अलग अलग आपको और भी जगहों को दिखाऊंगा। ये देखिए, और दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है फेक है तो आप एक काम करिएगा, सीआईएसएफ का एक यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे देखेंगे तो भिलाई का 181 नंबर बैच का पासिंग आउट परेड हुआ है। तो अब नेक्स्ट बैच बनेगा वो 82 नंबर का बनेगा। अगला देखेंगे सीआईएसएफ सेंटर, वह है देवली, देवली राजस्थान का दोस्तों, ये भी काफी इंपोर्टेंट सेंटर माना जाता है सीआईएसएफ के, बहुत बड़ा सेंटर है ये। इसमें देखिए आप देखिए 2018 की दोस्तों देखिए जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर थी दो बैच में स्टार्ट हुई थी, ये देखिए 2018 बेसिक कोर्स, ये देखिए बैच नंबर 56 है दोस्तों, और ये 47 वीक की ट्रेनिंग है, और ये स्टार्ट हुई थी 12 जुलाई 2021 से, और ये 28 मई तक ये देवली की चली है। वैसे ये देखिए ये भी स्टार्ट हुई थी, ये भी है उतने ही बच्चे, यहाँ देखिए आपको यहाँ इन्होंने 799 बच्चों को लिया था, यहाँ 703 बच्चों को, लगभग 1400 बच्चों को दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बच्चों को यहाँ पे लिया था। और अब आगे आप यहाँ पढ़िए, ये सब देखिए दोस्तों नीचे, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इनसे आप छोड़िए, आप 6 नंबर को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए एसएससी जीडी 2021 बेसिक कोर्स दोस्तों ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, बैच नंबर देखिए 7 है। देखिए 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई एसएससी जीडी की, जो आई है बस यही, तो देखिए बैच नंबर 7 है, और ये भी 47 वीक की, ये भी देखिए 19/12/2022 से स्टार्ट हो रही है, और ये भी देखिए कब तक चली। तो टोटल 1766 बच्चे दोस्तों यहाँ देवली वाले पे आने वाले हैं। अगर ये भी आपको देखना है तो आप यूट्यूब सीआईएसएफ के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, देखिएगा बैच नंबर 56 का दोस्तों पासिंग आउट परेड हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका मतलब जो 21 का जो बैच बनेगा वो बैच नंबर 57 आपका है। आगे देखेंगे आप एक सेंटर दोस्तों, ये मुंडली देखेंगे दोस्तों, ये देखिए मुंडली है, ये साउथ में है, ये मुंडली देखिए है सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ भी देखेंगे 2018 का जो बैच देखिए दो बैच में गया था, ये देखिए बैच नंबर 44 है, और देखिए 47 वीक की ट्रेनिंग आपको यहाँ भी दिख रही बेसिक ट्रेनिंग, ये स्टार्ट हुई थी देखिए 28 जून से ही ट्रेनिंग ये स्टार्ट हो गई थी, और 21 मई को खत्म हुई है,
ये दो बार में तो लगभग यहाँ देखिए 1075 बच्चे दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। इस बार दोस्तों वैकेंसी ज्यादा है इसलिए। अब चौथा नंबर आप देखिए दोस्तों, ये बैच नंबर देखिए 2018 बेसिक 2021 का बेसिक है, बैच नंबर 45 है। देखिए 44 के बाद बैच नंबर 45 है। और ये भी देखेंगे दोस्तों 19/12/2022 से देखिए स्टार्ट हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 1176 बच्चे हैं ये दोस्तों प्रूफ के साथ। अगर आपको भी यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो मुंडली का सीआईएसएफ का जीडी का बैच नंबर 44 पासिंग आउट परेड हुआ है, तो इसका मतलब 2021 में 45 नंबर का पासिंग आउट परेड होगा। तो दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दिसंबर तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी 19 दिसंबर तक। एक और आप देख लीजिए जैसे भरवारा का, भरवारा एमपी में मध्य प्रदेश में, ये देखिए ये भी मोस्ट, ये भी बहुत बच्चे यहाँ पे दोस्तों सीआईएसएफ में आते हैं। आप देखिए यहाँ दोस्तों ये जो है जीडी के बैच नंबर 56 यहाँ पे आपको दिखा रहा है, दो बैच में कंप्लीट हुई थी ये। देखिए ये 5 जुलाई को रिपोर्टिंग हुई थी 2021 में और 12 जुलाई को ये दो बार में कंप्लीट हुई है। यहाँ देखिए लगभग वहां 1200-1300 के आसपास बच्चों को दोस्तों बुलाया गया था यहाँ पे। इस बार दोस्तों आपका जो देखिए 5 नंबर पे 2021 का बेसिक कोर्स है, बैच नंबर 57 है और ये 19/12 यहाँ भी देखिए आप कुछ रिपोर्टिंग हो रही है। और जो आपकी ट्रेनिंग 7 दिन कम क्वारंटाइन होने के बाद आपका यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये 1734 बच्चे यहाँ पे दोस्तों, तो लगभग देखेंगे आप तो 6000 के आसपास वैकेंसी हो गई है। दो सेंटर दोस्तों आपके और बचे हैं जिससे पता चलेगा कि लगभग 8000 जो वैकेंसी है उसकी ट्रेनिंग आपकी होने वाली है। और दोस्तों अगर आपको फिर भी प्रूफ करना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, सीआईएसएफ के ऑफिशियल चैनल है वो, वहां पे देखेंगे तो बैच नंबर 56 का पासिंग आउट परेड हुआ है भरवारा का, बैच नंबर 57 आपका रनिंग पे होगा, कौन सा 2021 वाला जो बैच है। तो दोस्तों आप लोग के बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही एसएससी जीडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, डिपार्टमेंटल कोई भी नोटिस हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। और फाइनल की कटआउट की जल्दी ही वीडियो दोस्तों आप इसी चैनल पे आपको फाइनल देखने को मिल जाएगी। मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे ही डाटा मेरे को मिल जाएगा वो फाइनल आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। चैनल दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।